नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे। चलिए शुरू करते हैं। एनी डिवाइस दैट आउटपुट्स गिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर कैन बी कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट्स डिजिटल डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट देम इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका क्या काम है? आमतौर पे जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो एक्सेप्ट करती हैं डिजिटल डाटा को कंप्यूटर से और उसको कन्वर्ट कर देती हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज को ह्यूमन समझ सके उसमें कन्वर्ट करके हमें दे देती हैं। क्योंकि जो डिजिटल डाटा है उसको हम समझ नहीं सकते, तो जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या काम करती हैं? वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं जो डिजिटल डाटा को एक्सेप्ट करती हैं कंप्यूटर से। अब जो ह्यूमन है वो डिजिटल डाटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये कन्वर्ट कर देती हैं डिजिटल डाटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। अब जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो दो तरह की होती हैं, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस और हार्ड कॉपी डिवाइसेस। हम पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस क्या होती हैं। द आउटपुट कैन बी व्यूड ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन। अब जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस हैं उनमें जो आउटपुट है वो व्यू होता है ओनली, और ओनली कब तक व्यू होता है? जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। द यूजर कैन ईजली एडिट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। आप अच्छे से जानते हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस क्या होती हैं। अब जो यूजर है वो ईजली एडिट कर सकता है सॉफ्ट कॉपी में। अब जो हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है उसमें कोई भी यूजर जल्दी से बहुत आसानी से ईजली एडिट कर सकता है। सॉफ्ट कॉपी कैन नॉट बी यूज्ड बाय पीपल हु डू नॉट हैव ए कंप्यूटर। अब जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी एक डिसएडवांटेज है, उसकी एक लिमिटेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी वो पीपल यूज नहीं कर सकते जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। यानी सॉफ्ट कॉपी के लिए, सॉफ्ट कॉपी को यूज करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना अनिवार्य है। सर्चिंग फॉर डाटा इन ए सॉफ्ट कॉपी इज ईजी एंड फास्ट। आप सभी ने सर्च किया होगा डाटा को सॉफ्ट कॉपी से, कि डाटा को सर्च करना सॉफ्ट कॉपी में से ईजी है और फास्ट है, यानी बहुत आसानी से आप डाटा को सर्च कर सकते हैं और बहुत जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एज सॉफ्ट कॉपी इज चीपर, इट कैन बी ईजली एंड क्विकली। अब सॉफ्ट कॉपी जो डिवाइसेस हैं उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, कौन कौन सी सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस आपने देखी हैं? सभी की सभी बिल्कुल सिंपल, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या आपने कहीं ना कहीं इनका यूज़ किया है, आपने देखी हैं। मोनिटर्स, मोनिटर एक एग्जाम्पल है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस का। प्रोजेक्टर्स, आप सभी ने प्रोजेक्टर के थ्रू कोई ना कोई वीडियो देखी होगी अपने कॉलेज में, अपने स्कूल्स में। स्पीकर्स जो आप सभी यूज़ करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस के। अब है हार्ड कॉपी डिवाइसेस। हार्ड कॉपी डिवाइसेस क्या होती हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस आर दोज दैट प्रोड्यूस अ फिजिकल फॉर्म ऑफ आउटपुट। बिल्कुल सिंपली आप समझिए कि जो हार्ड कॉपी डिवाइसेस हैं वो कौन सी होती हैं। हार्ड कॉपी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो आउटपुट को प्रोड्यूस करती हैं फिजिकल फॉर्म में। इसके कुछ फीचर्स स्टडी कर लेते हैं हार्ड कॉपी डिवाइसेस के, जैसे एडिटिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग द एडिट्स इन द हार्ड कॉपी इज डिफिकल्ट। कि जो हार्ड कॉपी डिवाइस है, जो हार्ड कॉपी है उसमें एडिट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, जबकि जो हमारी सॉफ्ट कॉपी थी उसमें हम एडिट आसानी से कर सकते थे। हम इनके डिफरेंस भी लिख सकते हैं, इनके बारे डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। हार्ड कॉपी आउटपुट कैन बी ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल वु डू नॉट हैव ए कंप्यूटर। अब जो सॉफ्ट कॉपी है उसके लिए हमारे पास या यूजर के पास कंप्यूटर होना अनिवार्य है, लेकिन जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है उन पीपल्स को भी जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। यानी हार्ड कॉपी में से कुछ भी स्टडी करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि एक आपको PDF आई, तो PDF है सॉफ्ट कॉपी। तो PDF आप किस चीज़ में ओपन कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। यानी PDF को खोलने के लिए, PDF एक सॉफ्ट कॉपी है, PDF को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए आपके पास कंप्यूटर का होना अनिवार्य है या फिर किसी भी डिवाइस का जो उसको खोल सके। अब लेकिन हार्ड कॉपी डिवाइसेस है, जैसे आपको कॉलेज से कुछ नोट्स मिले, आपने अपनी नोटबुक में कुछ नोट किया, तो उसको खोलने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपनी नोटबुक में से, उसके लिए आपको कोई भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। सर्चिंग फॉर डाटा इन ए हार्ड कॉपी इज़ टायरिंग टास्क। ये आप बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी में से आप इजीली डाटा को
सर्च कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी में से डाटा इतनी आसानी से सर्च नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, ये एक डिफ़िकल्ट जॉब है। अब हम एक और फीचर इम्पोर्टेंट है, हमने इसमें जो जो फीचर सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस के और हार्ड कॉपी डिवाइसेस के स्टडी किए वो सभी के सभी आप अपने डेली लाइफ से कंपेयर कर सकते हो। अब ये एक और फीचर है हार्ड कॉपी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्ड कॉपी इज़ नॉट ओनली कॉस्टली बट स्लोअर एज वेल, कि जो हार्ड कॉपी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्टली तो है ही है और कॉस्टली के साथ साथ वो स्लोअर भी है। बिल्कुल सिंपल, आप इसको एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि जैसे आपको कॉलेज से कोई वर्क आया, आपके कोई नोट्स वगैरह आए, तो आपका टीचर उसको अगर आप मेल के थ्रू सेंड करता है, यानी कोई पीडीएफ वगैरह उसकी सेंड करता है, तो उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप आसानी से अपनी मेल में जाके उस पीडीएफ को खोल के स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपको नोट्स प्रोवाइड करता है तो उसमें उसको टाइम भी लगेगा, क्योंकि उसको एक एक बच्चे को जाके नोट्स देने पड़ेंगे, जो कॉस्टली भी है, क्योंकि अब जैसे एक पीडीएफ है वो सभी के सभी बच्चों को एक साथ भेज सकता है मेल के थ्रू, तो वहाँ से उसका टाइम बचा। लेकिन अब अगर वो उसको पीडीएफ को प्रिंट कराएगा सबसे पहले, फिर सभी को इंडिविजुअली देगा पीडीएफ को, एक एक करके सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसमें उसको टाइम भी लगेगा और उसका मनी भी बहुत लगेगा उसमें। अब हार्ड कॉपी डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल जो आप अच्छे से जानते हैं, आप सभी ने यूज किए हैं, प्रिंटर्स और प्लॉटर्स। प्रिंटर्स के बारे हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, जो आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िए प्रिंटर्स के बारे। प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।